गाइस, काफी दिनों से हमारा घर का व्लॉग नहीं आ पा रहा था, यानी कि अपने जो लाइफस्टाइल है उसका व्लॉग नहीं आ पा रहा था। आज थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बताते हैं यार, हम किस तरीके से गांव में रहते हैं। तो आज मुझे काम मिला है, मतलब अभी जस्ट खाना खाया, दिन का खाना खाया, लगभग 1 बज रहा होगा। तो हमारे घर की तरफ में धूप जल्दी चली जाती है, क्योंकि ऊपर को जंगल भी है ना, ऊपर की साइड में, मतलब यहाँ से ऊपर को जंगल पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसकी छाव आ जाती है यहाँ पे। पर कोई बात नहीं, अभी लगभग 1 बज रहे हैं, तो मुझे अभी क्या मिला है, काम मिला है यहाँ पर हमारा जो सगोड़ा है, यानी कि हमारा जो खेत है उसको खोदने का। तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ही है इस वाले एरिया को खोदने के लिए। तो मम्मी जब तक घर का काम करती है, मैं इसे तब तक फटाफट से खोद लेता हूँ, और फिर उसके बाद में थोड़ा और काम भी है, यानी हमारा जो डिबरू है ना, डिबरू खाड़ू कहते हैं हम, खाड़ू या डिबरू, उसको माटने जाना है, तो उसको बाद में लेके चलेंगे वहाँ पे, पहले इसे जल्दी से खोद लेता हूँ एक बारी ना। तो गाइस, दरअसल इसमें ना पहले बोया गया था मिर्ची, तो मिर्ची तो हो गई है, मतलब मिर्ची को उखाड़ दिया, काट दिया, उसकी फसल रेडी हो गई है, कब की हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिर्ची के पौधे थे अब ये बचे हैं, तो एक बार इनको फटाफट से निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद खोद के और जो दूसरा काम है, जो दूसरा काम मिला है मुझे, उसे कंप्लीट करता हूँ। तो अच्छी बात यह है ना कि कल मम्मी और उन्होंने यहाँ पर ना इस खेत को थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसमें, जिसकी वजह से ये मतलब हार्ड नहीं हो रखा खोदना, तो इजी रहेगा खोदना ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें, इसमें मुझे हार्डली 10 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है ना। ओ वंशी, क्या कर रहा है यार, आजा यार, काम कर मेरे साथ में। क्यों नहीं करेगा यार? अच्छा, दरअसल इनके बीच में ना कंडाली हो रखी है, जिसे कि बिच्छू घास कहते हैं, और ये बिच्छू घास काफी तेज लग रही है हाथ पे यार, मतलब लगती है ना तो 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है भाई बॉडी में, बहुत ही ज्यादा पेन होता है ना इसके लगने की वजह से। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ पौधे वैसे ही रहने देंगे, आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे ना, ये कटे हुए मिर्ची के पौधे, तो दरअसल हम इनको कुछ रहने देंगे, यहाँ पर 2-4 हैं, तो इन पे देखो धीरे धीरे पत्तियाँ आना शुरू हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ठंडियों का टाइम आएगा, तो कुछ टाइम बाद, मतलब जब मिर्ची का सीज़न नहीं रहेगा, तो ये पौधे ना मिर्ची देना शुरू कर देंगे उस टाइम पर। तो इस पर मतलब अर्ली मिर्ची हम इससे ना ले सकते हैं, मतलब जब मिर्ची की खेती होती है उससे पहले ही हम इनसे मिर्ची ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रहने दे रहे हैं, जैसे ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ऊपर को हैं, ऊपर वाले खेतों में रखा है, तो वही है कि मतलब थोड़ा हम जल्दी अर्ली मिर्ची ले सकते हैं इनसे ना, तो इनको यहाँ पर थोड़ा बहुत रहने देंगे, बाकी वाले खेत को मतलब खोद के, और फिर कल परसों मतलब जो भी है खोदने के बाद कुछ दिन हम छोड़ते हैं इन खेतों को, मतलब रहने देते हैं, और उसके बाद फिर इनमें कोई दूसरी फसल बोई जाएगी बेसिकली। तो एक बार क्या करता हूँ, इनको फटाफट से खोद लेता हूँ, और फिर क्या करते हैं, करना तो क्या है, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वैसे मतलब बैंगन का सीज़न चले गया, लेकिन जैसे आप यहाँ पर ये वाला पौधा ये देख रहे होंगे, ये वाले पौधे देख रहे होंगे, तो हम इन मिर्चों को रहने देंगे यहाँ पे, हम इनको ना मुंडा डाला कहते हैं, मुंडा डाला। तो इन पे भी क्या होगा, इन पे ना अर्ली बैंगन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बैंगन बहुत जल्दी से ये देना शुरू कर देंगे, हमें मतलब इसके लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले बोएंगे फिर होएंगे, राइट, ये सब चीज़ें इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, इन पे जल्दी पत्तियाँ आ जाएंगी, जल्दी वो कहते हैं हम मोलेयर कहते हैं, वो आ जाएंगे और बैंगन जल्दी से देना शुरू कर देंगे। तो ये बार क्या करते हैं, इसको फटाफट से खोद लेते हैं, और फिर उसके बाद उधर जाएंगे और खाड़ू को माटेंगे भाई आज, है ना। थोड़ा बहुत ही बचा है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट और बस हो ही गया ऑलमोस्ट। हो तो भाई हो ही गया, तो अपन ने खोद ही दिया पूरा, थोड़ा सा सांस फूल गया, पर कोई बात नहीं, काम तो कंप्लीट हो गया। अब ऐसा करते हैं, ये हम इसे कुदाल कहते हैं, आगे लोहा है, पीछे बांज की लकड़ी है ये, ठीक है, तो हम इसका यूज़ करते हैं, हम इसे कूटू कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कई जगह पे कुदाल बोला जाता है, हिंदी में कुदाल ही कहते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, इसको फटाफट से घर पे रखता हूँ और खाड़ू को माटने चलता हूँ।
ठीक है, तो माटने का मतलब वहीं पे जाके पता चलेगा आपको कि क्या कहते हैं, माटने का मतलब है क्या, ठीक है। तो ये पूरा प्याज बोरक है, हम इसे बिजवाड़ कहते हैं। तो ये जब थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको फिर जाके खेतों में लगाएंगे और फिर प्याज की फसल रेडी हो जाएगी। ओहो, थोड़ा मैं बाल भी बड़े कर रहा हूँ, मुझे बड़े बाल करने इस बारी, क्योंकि मुझे बड़े बाल अच्छे लगते हैं यार। तो वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ वैसे बड़े बाल हो जाए ना, बड़े बड़े चुटिया बांधने के लायक, एक नंबर लगेगा। बाकी अपना सजेशन ज़रूर बताइए कि कैसा लगेगा। तो मैं हाथ मुँह धोता हूँ फिर चलते हैं। तो भाई हाथ मुँह धो लिए और हमारा जो सगोड़ा था यानी खेत था वो भी खोद दिया, ठीक है। अब चलते हैं खाड़ू को माटने के लिए। तो अपन ने ले ली अपने पास में कैंची और आज खाड़ू को माटेंगे, ठीक है, मज़ा कर रहा हूँ, चलते हैं। तो अपने गांव का कुछ अभी के समय पर ऐसा हाल है, हाल क्या है मतलब धूप लगी है, धूप मुश्किल से एक डेढ़ घंटे में मतलब पूरी की पूरी धूप चली जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय ना बहुत जल्दी होता है। तो भाई अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपनी छन में यानी कि गौशाला में, और यह है हमारा खाड़ू। तो इसके ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बाल हो रखे हैं, लेकिन मारने को भी आता भाई है। तो इसको क्या करूँगा, एक बार बांध के लिटाता हूँ पहले और फिर इसके बाल काटता हूँ जल्दी से। तो अभी मैंने खाड़ू को ना दूसरी साइड बांध दिया है। ओ भाई क्या कर रहा है, तो इससे पहले ना जमीन पे लिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बिना जमीन पे लिटाए नहीं काटने देगा, ये मारता है ना। जा यार। लिखाएं तो लिखाएं कैसे भाई, इसके दोनों ताले पकड़ते हैं पहले यहां से। अरे दारा ये ले भाई नहीं लिखना का। अरे मनु कौन चा इसको एक बार लेट जाए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया हो गया, रुक जा, बस लेट ही गया है और इसकी टांगे ही बांधनी है मुझे। खाड़ू ना दरअसल बहुत डेंजर चीज होती है, अगर गलती से खुल गया तो मेरी वाट लगा देगा, तो इसको बहुत ही संभल के बांधना पड़ेगा। ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना क्योंकि खून रुक सकता है ना इसका, तो इसलिए जा चल। बांध ही दिया भाई, आखिरकार लिटा दिया और अब फटाफट से, अरे यार बाल भी मेरे बड़े हो गए ना, इसका एक बार फटाफट से इसके बाल काटता हूँ, हम इसे माटना कहते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से शुरू करते हैं भाई, इसे ऊपर पत्थर में लेके आता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर इस पे बहुत बड़े बड़े बाल हो रखे हैं ना इसके, तो ये दरअसल ऊन भी है, अच्छी खासी ऊन भी है, लेकिन हमें ऊन नहीं चाहिए भाई। ओए रुक जा, तो ये देखो ये है
पहले पहले बाल। और यही मतलब आप ना, आप लोग मतलब जो शहरों में ऊन की स्वेटर मिलती है, ठीक है, तो वही है। इसको थोड़ा सा प्रोसेस करके कर सकते हैं यूज़, पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अरे रुक जा, चल। रुक रुक रुक, ये ले बस, चुप। एक तरफ पूरा कंप्लीट कर दिया, अब इसको दूसरी साइड को पलटना है। दूसरी साइड पलटेंगे हम ऐसे में, बस रे, रे। तो अब ये वाली साइड है, तो आपको लग रहा होगा कि ये बाल गंदे हैं, दरअसल अगर इनको बिल्कुल धो के वॉश करके जैसे अगर फिर से इनसे बुना जाए ना, तो ये इतने मखमल की तरह बाल है ना, बिल्कुल मुलायम बाल है, हल्के पतले से, लेकिन यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं है इन बालों का। तो एक बार फटाफट से इस वाली साइड भी काट देते हैं। तो जो हमारी डिवरी है ना, उस पर थोड़े से ही बाल बचे, ऑलमोस्ट कर ही दिया पूरा, क्योंकि ये केयर करना पड़ता है ना इनका, नहीं तो इनको मतलब गर्मी की वजह से, मतलब इन बालों की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस ये महंगे आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, खाड़ू ना, खाड़ू या ढिवरी भी कहते हैं हम इसे, भेड़ कहते हैं जैसे भेड़। तो थोड़े से ही बचे हैं बाल इसके, और ये ऑलमोस्ट हो ही गया बस। तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इनको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। चुप 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 साले। तो इससे काफ़ी सारी ऊन निकल गई है, लेकिन हमारे कुछ काम की नहीं है। अब इसे खोलेंगे, लेकिन खोलना इस तरीके से बहुत ध्यान से, क्योंकि जैसे ये खुलेगा ना तो एकदम से उठेगा और सबसे पहले मारने दौड़ेगा, देखना। तो इसको बहुत ही ध्यान से खोलना पड़ेगा, लेकिन इसको खोलने का तरीका ये है, पहले इसकी टांगे पकड़ के रखो, ये देखो बन गया ना, अब हो गया। अब देखो कैसा सही लग रहा है, बस 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 बस। तो भाई हमने अपना जो ढिबरू है वो भी मार दिया, अब सही लग रहा है ना, पहले कितना बड़ा लग रहा था, देखो कितना छोटा लग रहा है, ये देखो। इधर देख रहा कैमरे में, देख कैमरे में, देख। तो इससे इतना सारा ऊन निकला है, लेकिन कोई काम का नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो काम है ना, वर्क है, वो किसी को नहीं आता यहाँ पे, और काफ़ी ये काफ़ी नहीं है बिकने के लिए। तो अभी क्या करता हूँ, अभी घर चलता हूँ और हाथ उत वॉश करूँगा, कैमरा भी साफ़ करना पड़ेगा मुझे, पूरा सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैल था इस पर, बहुत ज़्यादा मैल। तो एक बार चलते हैं घर और घर पे मिलते हैं। तो ये देखो ये छोटे छोटे, हम इनको चिनकी कहते हैं, चिनकी, तो चिनकियाँ हो रखी हैं देखो यहाँ पे, कितनी प्यारी प्यारी है ना, एक ये भी है, ये भी है, तीन है, ये बछड़ी है। और दादी चल गई, देखिए देखो ये वाली बछड़ी, भग गई, अरे यार डर गई। दरअसल जो खाड़ू होते हैं या भेड़ होते हैं, उनकी ग्रूमिंग पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, मतलब टाइम टू टाइम उनके बाल काटने पड़ते हैं ना, अदरवाइज़ क्या होता है, उनको जैसे गर्मी होती है तो गर्मी में जल्दी वो बीमार पड़ जाती है, ठीक है। और यही है मतलब कि हाँ, मतलब गर्मियों में तो कम से कम दो बार तो उनके बाल काटने ही पड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर हीट ज़्यादा होता है, और फिर उनका कलर ब्लैक होता है ना, तो ब्लैक होने की वजह से कहीं ना कहीं मतलब दिक्कतें होती है। तो खाड़ू का काम भी कर दिया, हम ढिबरू कहते हैं, ठीक है ढिबरू,
तो ढिबरू को भी मार दिया। तो चलते हैं घर पे, एक बार हाथ मुंह धोएंगे, थोड़ा कैमरा भी साफ करेंगे, पूरा सैनिटाइज करूंगा क्योंकि काफी गंदा हो रखा था। तो गाइस भाई अपना कैमरा भी हो गया क्लीन और अपना काम भी हो चुका है कंप्लीट, जो कि अपने को आज काम मिले थे। अच्छी बात है ना कि टाइम से कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा मैं वॉक करने जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा घूम के आऊंगा क्योंकि यार सुबह से काम ही कर रहे हैं, थोड़ा सा घूम के नहीं आए तो आज घूमने जाएंगे थोड़ा बहुत। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। और एक चीज़ और, आजकल मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ, तो अपना यहाँ पे गिटार है, तो कुछ टाइम बाद ना आपको मतलब मैं गिटार प्ले करता हुआ दिखूंगा। लेकिन वो उसमें अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि गिटार यार एक दो दिन में तो नहीं सीखा जाता है, महीनों लगता है ना, सालों लग जाते हैं इवन। तो क्या करेंगे, काफ़ी टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं,